से विकल्प करते हैं कि उत्पत्ति के लिए सत की उत्पत्ति अथवा सत से उत्पत्ति, असत से उत्पत्ति अथवा असत की उत्पत्ति, और दोनों मिला करके ये तीन कैटेगरी, और जो है विद्यमान वस्तु की सत अपने आप उत्पत्ति अथवा दूसरे से उत्पत्ति अथवा अपने आप अथवा दूसरे को मिला करके उत्पत्ति, दोनों मिलकर के उत्पत्ति, छह प्रकार के विकल्प करके दिखा दिया कि किसी प्रकार से होना संभव नहीं, स्वतः अपने आप उत्पत्ति होना क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आप बोलो जो उत्पत्ति हो रहा है, मतलब उत्पत्ति मतलब क्या होता है कि पहले नहीं रहा वस्तु की विद्यमानता, तो जो पहले नहीं है यदि वहाँ पे स्वत हो कैसे, मतलब अपने में कुछ व्यापार हो तब जाके वो अपने रूपांतर कर सकते हैं, जो वस्तु है ही नहीं तो अपने में कहाँ व्यापार करके, कहाँ से व्यापार करेगा। और दूसरी बात का ये होगा स्वत अपने आप, और यदि मान लो जो पहले से है तो फिर उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए नहीं है तो भी सत उत्पत्ति होना संभव नहीं है, और है तो भी ठीक है तो भी असत उत्पत्ति होना संभव है, ठीक है। अच्छा फिर जो है परत दूसरे से, अच्छा ये बताओ कि भिन्नता होने से क्या वो उत्पत्ति के लिए भेद बन जाता है, पिता पुत्र में भेद दिखाई पड़ता है, परंतु यहाँ पे तो कई लोग में भेद दिखाई पड़ता है, तो क्या जिसमें भेद है वहाँ से उत्पत्ति का प्रयोजक थोड़ी भेद है, नहीं तब वो क्या बोला था उत्पत्ति का प्रयोजन तब वो होगा जिसके अंदर उत्पत्ति करने का सामर्थ्य भी है और भिन्न भी है, तब उनसे पूछा गया तो उत्पत्ति करने की सामर्थ्य आप कैसे समझ में आएगा उत्पत्ति के बाद की पहले, फिर बोला दोनों मिलकर के बोलते तो हो नहीं सकते विरुद्ध तो वस्तु, इस प्रकार से ये जो है सत परत सत परत मिलकर के, इस प्रकार सत असत और सत असत मिलकर के यदि विद्यमान है तो उत्पत्ति का आवश्यकता नहीं है, और यदि अविद्यमान है तो उससे कुछ क्रिया हो ही नहीं सकता, कुछ व्यापार हो ही नहीं सकता, असत असत तो विरोधी वस्तु मिलकर के एक है नहीं और एक है, ये दोनों मिलकर के कोई काम करेंगे तो होना संभव ही नहीं, अकेला ही होगा सत अकेला ही होगा, इसको पर हम टीका पढ़ लेंगे, ठीक है ना, पूरा भाष्य हो गया था, टीका देखिए 219 यहाँ पे इस पंक्ति को पढ़ लेते कि इत शब्दार्थम एव स्फोरयितुम, वस्तु को पारमार्थिक जन्म नहीं है इसके विकल्प रूप में सिद्ध करके दिखाता है, कितना प्रकार विकल्प किए थे, छह प्रकार विकल्प किए थे, इसलिए बोलता है इत इत न जायते किंचित, यहाँ पे जो इत शब्द आया हुआ है इत शब्दार्थम ये बस हो रही तुम, इत शब्दार्थों को स्पष्ट करने के लिए जायमान मतलब उत्पत्ति हो रहा है इसको कथन करके अब बोल रहे इस उत्पत्ति जो आपको दिखाई दे रहा है किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, छोटा विकल्प है छह प्रकार से विकल्प करते हैं, ये बोला जायमानम वस्तु सत परत उभयतवा सत असत सत असत वा जायते, ये जो जायमान वस्तु आपको दिखाई दे रहा है अपने आप उत्पत्ति हो रहा है दूसरे से उत्पत्ति हो रहा है अथवा अपने आप दूसरे को मिला करके उत्पत्ति हो रहा है, क्या कहना चाहते हो, अथवा सत से उत्पत्ति हो रहा है अथवा सत से उत्पत्ति हो रहा है अथवा सदस्य मिलकर उत्पत्ति हो रहा है, क्या कहना चाहते हो, तो बोलते हैं आप किसी भी प्रकार से उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, इसको लेकर के देखिए सर्वेषु टीका में सर्वेषु पक्षेषु दोष संभवनाम सूचयति,
क्षय पक्ष में दोष की संभावना को सूचित करते हुए ये कह रहे हैं न तस्य केनचित् अपि प्रकारेण जन्म संभवति, यानी किसी भी प्रकार से तस्य तस्य मतलब क्या क्या चाहे दो नंबर टिप्पण में जो कल्प जायमान तेन अभिमतस्य जो पैदा हो रहा है चाहे हेतु हो चाहे फल हो जो आप सोच रहे हैं उत्पत्ति हो रहा है किसी प्रकार से उत्पत्ति होना संभव ही नहीं। अच्छा आगे क्या बोलते हैं कि तत्र आद्यम दूषयति, छह विकल्प में पहला विकल्प है स्वतः उत्पत्ति हो जाएगा, स्वतः उत्पत्ति हो जाएगा। इसमें दोष दिखाते हैं, क्या दोष दिखाते हैं, स्वयं एव वहाँ पे देखा न तावत स्वयं एव अपरिनिष्पन्नत्वात् स्वतः स्वरूपात् स्वयमेव जायते यथा घट तस्मादेव घटात् निश्चित ही तब स्वयमेव अपने आप अपरिनिष्पन्नत्वात् ही हो गया हितमुख रूप से, मतलब जहाँ जो अभी तक संपादित नहीं हुआ जो अभी तक अस्तित्व को प्राप्त नहीं किया इस प्रकार भक्त स्वतः अपने आप स्वरूपात स्वयमेव जायते अपने स्वरूप से अपने आप उत्पत्ति होता है, अपने में व्यापार करके अपने आप उत्पत्ति होता है, जिसके अस्तित्व ही नहीं है कहाँ से करेगा वो व्यापार, किसमें करेगा व्यापार, ये होना संभव नहीं है। यथा घट सस्मादेव घटा जैसे अपने घट से उसी घट को उत्पन्न होना जैसा होना संभव नहीं है, ये अभिप्राय से बोलते हैं। यहाँ पे बोलते ये तंत्र आत्म दूषित क्षय विकल्प में पहले दूषित क्या कहते हैं न तब स्वयमेव अपरिनिष्पन्न सत स्वरूप स्वयमेव जायते, इसी का अर्थ टीकाकार बोलते हैं स्वयं एव जायमान कार्य, ठीक है ना, उत्पत्ति हो रहा है जो कार्य वो अपने आप ही स्वयं एव जायमान कार्य, उत्पत्ति हो रहा है जो वस्तु वो अपने आप ही स्वस्माद एव स्वरूप अपने ही स्वरूप से अपने स्वरूप से न तावत जायते अपने स्वरूप से उत्पत्ति नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, स्वयमेव स्व अपेक्षा अंतरेण अपने आप अपने की अपेक्षा करके उत्पन्न होगा तब आत्माश्रय दोष है। और दूसरी बात क्या है, यदि वो विद्यमान है तो आत्माश्रय दोष है, यदि बुद्धिमान नहीं है तो व्यापार होना संभव ही नहीं है, व्यापार होना संभव ही नहीं है। इसलिए आप बोलते हैं स्वयमेव स्व अपेक्षा अंतरेण स्व कारण अधीनतया, क्योंकि कोई भी वस्तु उत्पन्न होता है तो अपने कारण को उत्पन्न होकर ही कारण के अधीन होकर उत्पन्न होता है, यहाँ पे अपने आप है मैं भी और कोई दूसरा नहीं है तो क्या हो जाएगा अपने अधीन होकर उत्पन्न होना पड़ेगा। आगे कर दिया आपके ठीक है, तो अब स्वयमेव जायमान कार्य अपने आप उत्पन्न हो रहा है जो कार्य सस्मादेव स्वरूप अपने स्वरूप से न अपने चर्चे वो अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, न तो निश्चित उत्पन्न नहीं हो सकता, क्यों स्वयमेव स्व अपेक्षा अंतरे न अपने आप अपनी अपेक्षा रखे बिना स्व कारण अधीनतया अपने कारण की अधीन होकर के अपरिनिष्पन्न अभी तक संपन्न नहीं होने के कारण। अब देखिए इसका तीन नंबर टिप्पणी स्वयं एव जायमान कार्य, उत्पत्ति हो रहा है जो कार्य वो कार्य अपने आप ही स्वयं एव अपरिनिष्पन्न, ठीक है ना, यह है मुख्य चीज, अपने आप अभी तक अस्तित्व के अपरिनिष्पन्न अभी तक अस्तित्व के प्राप्त नहीं करने के कारण जो वस्तु उत्पत्ति हो रहा है उत्पत्ति में वो अपने आप अपने लिए मतलब कारण बन जाएगा, परंतु जो अपने आप अपने लिए कारण बनेगा तो अस्तित्व उसका तो अभी सत्ता ही प्राप्त नहीं है, कहाँ से व्यापार होगा वहाँ, इसलिए बोलता है स्वयं एवं अपरिनिष्पन्न इति अस्य अर्थम आवश्यक अर्थ कहता है स्वयं एवं इत्यादि ना, क्या बोलते हैं स्वयं एवं जायमान कार्य उत्पत्ति हो रहा है जो कार्य वो कार्य सस्मादेव स्वरूप मतलब अपने ही स्वरूप से न तब जायते अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, क्यों स्वयमेव स्व अपेक्षा मंत्र अपने आप अपनी अपेक्षा रखे बिना, इसमें दो दोष है, एक है अपने आप मान लो विद्यमान है तो अपने आप अपनी अपेक्षा रखने में तो आत्माश्रय दोष है, और यदि विद्यमान नहीं है तो वहाँ पे कोई किसी को अपेक्षा ही नहीं कर सकते उत्पत्ति होना संभव नहीं है, दोनों पक्ष भी दोष है, इसलिए बोलते हैं सब कारण अधीन अपने कारण के अधीन होकर के तो अभी इसका संपादन ही नहीं हुआ और उसने अस्तित्व भी प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए हमें तीन नंबर टिप्पणी स्वयं एवं अपरिनिष्पन्नत्वात्, ठीक है ना, अपरिनिष्पन्नत्वात् लास्ट में है और स्वयं एवं फर्स्ट में है, ठीक है ना, न तावत स्वयमेव और भाष्य का तो अपरिनिष्पन्नता वहीं पर लिखा, मतलब टीकाकार उसको अलग करके लिखा
टीकाकार के ऊपर यदि वहाँ पर टिप्पणी देता है तो स्वयं एवं अपरिनिष्पन्न और भाष्यकार के शब्द उसी को अर्थ कहते हैं स्वयं विद्या स्वयं जायमान कार्य उत्पत्ति हो रहा है जो कार्य सस्माद स्वरूप अपने स्वरूप से न तो उत्पत्ति जब उसका उत्पत्ति नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता यदि वो विद्यमान नहीं है तो हमें व्यापार कहाँ से होगा और यदि विद्यमान है तो आप आत्मास्ट है दोष अपने आप को अपने कंधे में चढ़ना पड़ेगा सस्मत व्यापार मतलब क्या है अपने आप अपने कंधे में चढ़ना पड़ेगा ये तो होना संभव नहीं है आत्मस्क बोलते हैं सापेक्ष मंत्रण आप देखिए चार नंबर टिप्पणी तद व्यापारा प्राप्त कारण अधीन देना मतलब वो जो उत्पत्ति हो रहा है वस्तु अपना कारण क्यों शुरू करके उत्पत्ति होता है तद व्यापारा प्राप्त मतलब जब तक उस कारण में कोई व्यापार नहीं होगा स्वस्थ उसका होना उत्पत्ति होना संभव नहीं है परंतु बात क्या है स्वस्थ एवं अभाव तो है नहीं कि उसका उत्पत्ति हो रहा है उत्पत्ति और अनुत्पत्ति में क्या है मतलब जो नहीं है उसको अस्तित्व में आ जाना तो अभी उसमें तो कोई व्यापार होना संभव ही नहीं है क्योंकि अस्तित्व ही नहीं है उसका इसलिए होता है स्वस्य एवं अभावात इति अर्थ ठीक है तीन नंबर टिप्पणी में स्वयं एवं अपरिनिष्पन्न इस पंक्ति की अर्थ कर रहे कौन ठीक है भाष्य करके शब्द को स्वयं एवं जायमान जो बोला ना हाँ स्वयं एवं जायमान कार्यम सस्मादेव स्वरूप जाए तो उसी को लिखते हैं यहाँ पे स्वयं एवं तस्व स्वकर कोई भी वस्तु उत्पन्न होता है कोई ना कोई उस वस्तु के लिए जो अपना कारण होगा उसी कारण में व्यापार हुए बिना वस्तु उत्पत्ति होना संभव नहीं है इसलिए तस्व स्वकारण अधीन तस्व मतलब कार्यस्व स्वकारण मतलब उस कार्य के लिए जो कारण की आवश्यकता है उस कारण में व्यापार किए बिना मतलब उस कारण के अधीन होकर के उत्पन्न है तब व्यापार प्राप्त उस व्यापार प्राप्त उसके मतलब कारण में व्यापार हुए बिना वह वस्तु वहाँ है नहीं कारण में व्यापार से पहले उस वस्तु के अस्तित्व ही वहाँ पे नहीं है मृतिका में कुम्हार की तरह व्यापार से पहले घर आप वहाँ पे है नहीं तो घर स्वयं अपने आप कैसे उत्पन्न होगा इसलिए बोलता है सस्व एवं अभावाद इति अर्थ ये हो गया पहला तीन नंबर चार नंबर स्व अपेक्षा अंतरे न यदि आप कहते हो तो ऐसा होता है तब क्या हो जाएगा आत्माश्रय दोष होगा अपने आप अपने में व्यापार करना पड़ेगा इसलिए बोलता है ननु स्व कारण जन्मस्व अपनी स्वजन्मत्म अपेक्षा यदि अपने से अपने कारण से उत्पन्न होता वो भी तो अपने कारण का अपेक्षा रखता है स्वजन्मत्म अपने से उत्पन्न अक्षतम है वो मतलब यहाँ पे जो अपने स्वजन्मत्व तो ऐसा ही रह गया आप देखिए ननु स्व कारण जन्मस्व आपने क्या बोला अपने कारण से उत्पन्न होता कारण कौन है स्व अपने आप अपने आप ही कारण है इसलिए बोलते हैं स्वजन्मत्म अक्षतम है वो फल तो क्या जाएगा ये जो आपके सिद्धांत है स्व अपने से उत्पन्न होता है ये तो वैसे ही रहेगा इसको तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ यानी क्या हो जाएगा मान लो कि वो वस्तु है और अपने ही आप उत्पन्न होता है वस्तु के तब क्या हो जाएगा आत्माश्रय दोष हो जाएगा अक्षतम इसलिए बोलते हैं स्वजन्मत्म अक्षतम एवं क्यों विशिष्ट जन्मस्य विशेष जन्मत्व नियमा कोई विशेष वस्तु की उत्पत्ति होते हुए दिखाई दे रहा है तो उस विशिष्टों की उत्पत्ति होने के लिए कोई विशेष कारण चाहिए इसलिए होता है विशिष्ट जन्मस्य विशेष रूप में उत्पन्न हो रहा है जो वस्तु उसका विशेषण जन्मत्म कोई विशेष कारण चाहिए मतलब जो विशिष्टता इस प्रकार सफेद वस्त्र को आप उत्पन्न करना चाहते हो तो सफेद धागा ही लगना पड़ेगा विशेषण जन्मत्व कोई विशेष होगा इसलिए बोलता है विशिष्ट जन्मस्य विशेषण जन्मत्व नियम ऐसे नियम होने के कारण आप कोई विशिष्ट वस्तु का उत्पन्न करना चाहते हो तो उसके लिए कोई विशेष कारण चाहिए अब ये तो अपने आप ही है तब आत्माश्रय तो रक्षत है इसलिए बोलते हैं इति आशंका स्व अपेक्षा अंतरेण मतलब आप उस अपने की अपने आप भी है तो अपने की अपेक्षा के किए बिना वो उत्पन्न होना संभव नहीं है कारण व्यवहार से अपेक्षा न तो जनकत कारण व्यापार में क्या होगा वो अपने की अपेक्षा रखेगा कारण में परंतु उस उतने मात्र से उत्पत्ति होना संभव नहीं होगा इति भाव यदि आप एक कारण की अपेक्षा कारण कौन है स्वयं अपने आप है अर्थ उत्पन्न उत्पत्ति है वही व्यक्ति उत्पन्न हो रहा है परंतु इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर जनकता नहीं आ सकता है तो जनकता नहीं आ सकता क्योंकि अपने में व्यापार होना संभव ही नहीं है इति भाव इसके अंदर भाव है ठीक है भाई बोलते हैं स्वयं स्व अपेक्षा मंतरेण स्व कारण अधीनता है अपने कारण के अधीन होकर के अभी तक संपन्न नहीं होता है मतलब अपरिनिष्पन्न मत उत्पत्ति होना संभव नहीं है अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो स्वसिद्धि स्वसिद्धि यदि आत्माश्रय यदि ऐसा नहीं मानोगे तो कहेंगे अपने सिद्धि के लिए अपने को अपेक्षा रखना पड़ेगा इसलिए आत्माश्रय दोस्तों अनिवार्य हो जाएगा आत्माश्रय दोस्त अनिवार्य हो जाएगा
अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो तब विद्यमान वस्तु वहाँ पे रह करके तब जाकर वहाँ पे कुछ व्यापार होना संभव है। अविद्यमान वस्तु में तो व्यापार होना संभव नहीं है। अब जब विद्यमान आप आओगे तब क्या करना होगा, आपका आत्माश्रय दोष आ जाएगा। अन्यथा स्वसिद्धि स्वसिद्धि आत्म आश्रय आश्रया दोष होने के कारण। फिर पाँच नंबर टिप्पणी, न असत एव सतह स्वजन्म सत्कम अभ्युपगंतुम। अब क्या हो जाएगा, वो वस्तु पहले नहीं है, असत एव मतलब अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है, तो असत एव सत मतलब अपने आप में नहीं रहते हुए स्वत स्वजन्म सत्य असत जन्म सत्यम अभ्युपगंतुम न पहले सार है। देखिए न पहले न च असत एव सत अपने आप असत होते हुए अपने जन्म के लिए अपने आप कारण बन जाए ये तुम नहीं कह सकते हो। आकाश कुसुम अपने उत्पत्ति के लिए अपने आप कारण बन जाए कभी हो सकता है, बंधा पुत्र अपने कारण कोई हो सकते हैं, इसलिए बोलते हैं न च असत एव असत का ईश्वर तो अपने आप में स्वजन्म सक्कम अभ्युपगंत आप अपने आप अपना पैदा करते। सत में क्या दोष आया, सत यदि होगा तो आत्माश्रय दोष होगा, अपने आप आप व्यापार करना पड़ेगा, और असत होगा तो उसमें तो व्यापार करना संभव ही नहीं है, बस है नहीं, इसलिए बोलते हैं ना च असत एव सत स्वजन्म सत्कम अभ्युपगंतु बंधा सुतस्य अपि जन्म प्रसंग तब तक क्या हो जाएगा, बंधा पुत्र का उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। इति अर्थ इसका भी प्रयोग, न च स्वतो स्वजन्मनि दूषणम अन्यत तथा सॉरी तथा च स्वतो स्वजन्मनि दूषणम इसका फल चलेगा, अपने आप अपने को उत्पन्न करना इसमें जो है दोष है, अन्यथा नहीं तो उन्हें क्या होगा कि आपके यहाँ पे आत्माश्रय दोष अथवा मुख्य रूप से जो वस्तु नहीं है उसमें तो व्यापार होना संभव नहीं है, इसलिए कभी उत्पत्ति होना संभव ही नहीं होगा। इसलिए आप बोलते अन्यथा स्वसिद्धि स्वसिद्धि रीति आत्माश्रय, यदि ये मैच भूम ये सिद्ध होता है तब जाकर के मेरी उत्पत्ति सिद्ध होगा, परंतु यहाँ पे तो अपने अस्तित्व ही पहले सिद्ध नहीं हो रहा है कि नहीं, क्योंकि तो उपाय नहीं जन्म होना है उसको पैदा होना है, जब पैदा नहीं उसके पहले कहाँ पे है, इसलिए ये होना पहला कोटि में मतलब जो तीन विकल्प किया सत से होगा तो आत्माश्रय दोष, और असत से होगा तो वहाँ पे होना संभव ही नहीं, असत व्यापार होना संभव ही नहीं, असत असत दोनों मिलकर के करोगे पर दोनों को मिलाना भी संभव नहीं है। उसको दृष्टांत देकर समझ नहीं घटात एव घटो जाय मान अस्ति घट से घट का उत्पत्ति होते हुए कहीं दिखाई नहीं दिया, मतलब आपने शब्द बोला अपने से अपने को उत्पत्ति तो घर से घट की उत्पत्ति कहीं दिखाई दिया आपको, नहीं दिखाई दी। अब इसके आगे बोलेंगे अरे आपने तो हमारे बात को समझा ही नहीं, हमने वृत्ति कैसे घट की उत्पत्ति बोला था, विद्या से पुत्र की उत्पत्ति बोला था, आपने रुद्र बोलने लग गया, आगे बोलते हैं नहीं घटात एव घटो जाय मानो दृष्टो अस्ति। छह नंबर टिप्पणी में नहीं दृष्टि अनुपन्न नाम इतिहास, देखो भाई हमें दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, मृतिका से घर उत्पत्ति होती है, जो ना दृष्टि अनुपन्नम नाम जो दिखाई देते हैं वहाँ पे अयुक्तिकता नहीं है, दिखाई दे रहा है, इसलिए जो दिखाई दे रहा है उसमें कोई अयुक्तिकता नहीं है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, इसलिए हम बोलते हैं नहीं दृष्टि अनुपन्न नाम इतिहास का आम नहीं घटा देव घट, यदि ऐसा आप कहते हो तब आप पूछते हैं घर से घट की उत्पत्ति दिखाई दी आपको कहीं, आप बोल आप कहाँ बोला घर से घट, हम तो बोला मृत्यु का से घट, पहले घर से घट मृत्यु का से नाम ठीक है, हम उसको तो आगे देंगे आपको, क्या हमें बोलते हैं नहीं घटा देव घट जाए वाले पे तथा नहीं दृष्टि अनुपन्न नाम इति आशंक नहीं यदि वस्तु तो परिनिष्पन्न टीका पाठ। अब वहाँ पे ये टीकाकार जो यहाँ पे बोला हुआ है जो वहाँ पे अवग्रह लगा के आया हुआ है ठीक है ना, इसमें स्व अकारण अधीनताया अपरिनिष्पन्नत्वा टिप्पणी कार बोलते हैं कि परिनिष्पन्नता भी होता वहाँ पे अवग्रह नहीं लगाते आपने है ना, तो परिनिष्पन्न जो बोलते हैं यहाँ पे अन्यथा दृष्ट अनुदृष्ट अनुपन्नम नाम आशय नहीं इत्यादि वस्तु तो परिनिष्पन्नत्वा इतिव टीका पाठ। परिनिष्पन्न मतलब क्या हो गया, जो संपादित वस्तु है वो संपादित वस्तु से कोई संपादित वस्तु की उत्पत्ति होगा, एक ही जगह पे देखिए एक अवग्रह लगा देने से अपरिनिष्पन्नत्व मतलब असत वस्तु हो गया, और परिनिष्पन्नत्व मतलब विद्यमान वस्तु हो गया तैयार वस्तु,
तो मतलब देखिए जो वस्तु तैयार हो गया उससे फिर क्या तैयारी करोगे, और जो है नहीं उसमें क्या तैयारी करोगे, इसलिए दोनों प्रकार से होना संभव नहीं। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे वस्तु तो परिनिष्पन्नत्वादिति टीका पाठ। टीका कहाँ पे है? स्वकारण अधीनतया अपरिनिष्पन्नत्व। यदि स्वकारण अधीन होकर के निष्पन्न भी हो गया तभी क्या हो जाएगा वहाँ पे, आत्मस्थ अपने में अपना व्यापार नहीं होता, कर्म करते दोष होता ही नहीं, अपने अपने व्यापार में एक दोष और आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं वस्तु तो परिनिष्पन्नत्वादिति टीका पाठ तथा च स्वयं एवं परिनिष्पन्नत्वादिति अश्व व्यतिरेक मुखिन आह। मतलब अपने आप पहले से ही विद्यमान है और अपने जो जो जिस रूप में बदल सकते उस रूप में विद्यमान रहते हुए फिर उत्पत्ति कहाँ से आ जाएगा। इसलिए हमें बोलता है कि तथा च फलस्वरूप स्वयं एवं परिनिष्पन्नत्वा अपने आप को संपादित हो जाने के कारण यदि अश्व व्यतिरेक मुखिन, यदि वो नहीं होता तब अर्थ व्यतिरेक मुखिन अर्थ स्वयमेव कहाँ पे ऊपर स्वयमेव जायमानं कार्यं सस्माते वहाँ से बोले स्वयं विद्य स्वयमेव परिनिष्पन्न भी अपने आप घट रूप में उत्पन्न हो गया स्वकारण अपेक्षा अंतरेण। आप किसके किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखते हुए अपने तब तो सदउत्पत्ति बोलेगा। स्वकारण अपेक्षा अंतरेण स्व अधीनतया अपने आप अपने इच्छा से अपने अधीनकार के अपने मनमन से परिनिष्पन्न तब तो उत्पन्न हो गया। तद्भाव तद्भाव वस्तु वो जो भाव वस्तु स अपेक्षा अंतरेण स कारण अधीनतया परिनिष्पन्नम इति परिनिष्पत्तम तस्मादिति अर्थ। इसलिए क्या हो गया वो जो भाव वस्तु है तद भाव वस्तु स अपेक्षा अंतरेण, क्योंकि अभी तक तो भाव वस्तु बोल रहे हैं और यदि अपनी अपेक्षा नहीं रखे अपना भाव वस्तु अपनी अपेक्षा नहीं रखते हुए स्व कारण अधीनतया वहाँ पे क्या हो गया उसका जो कारण है उसका अधीन होकर के उत्पन्न हुआ तस्मादिति उससे उत्पन्न हुआ। और नाम क्या बोला वो अपने अधीन होकर उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो किसके अधीन होकर उत्पन्न है अपने कारण का अधीन होकर उत्पन्न हो रहा है। यदि ऐसा कहोगे तो कार्य तो भी तो फिर कार्य कारण भाव पहले आ गया, कौन पहले सिद्ध है वो तो। इसलिए आप बोलते हैं तस्मादिति अर्थ स्व कारण अधीनतया परिनिष्पत्त अनभ्युपगमे। यदि इस प्रकार से अपने कारण के अधीन होकर के ये उत्पन्न होता है यदि ऐसा नहीं मानोगे तो बाधक होता बोलते हैं अन्यथा स्वसिद्धि स्वसिद्धि अपने कारण के अधीन होकर के कार्य की सिद्धि होती है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो कहेगा अपने सिद्ध होने पर तब जाकर अपने अस्तित्व को सिद्ध होता है, मतलब परिनिष्पन्न अन्नता इत्यादि शेषम समानम बाकी एक ही प्रकार से समझना चाहिए। मतलब जो दोष पहले देख कर आया उसी को यहाँ पे कहना चाहते हैं। नहीं तस् घटा देव घट जाए मानो दृष्टि घट से भी घट उत्पन्न होते हुआ नहीं दिखाई दे। सामान्य रूप से स्वतः के उत्पत्ति के पीछे कोई वस्तु की उत्पत्ति अपने कारण की अधीन होकर के उत्पन्न हो ये तो देखा ठीक है। आप यदि स्वतः से स्वतः उत्पत्ति तो कारण कौन हो जाएगा अपने आप ही कारण होगा। तो अपने आप अपने में व्यापार करने का एक शक्ति होना चाहिए पर ये कहीं नहीं दिखाई देता। उसको आत्माश्रय दोष होता है अथवा कर्म करते दोष होता है। कर्ता अपने आप को कर्म बना दिया। हमको कोई कहे आपको कोई कहे आप अपने कंधे पे चढ़ जाओ, मैं हो गया कर्ता कंधा हो गया कर्म। तो अब मैं यदि अपने कंधे में चढ़ सकता तो कर्म करते तो उस कर्ता का भी कर्म नहीं हो सकता। मैं अपने कंधे में नहीं चढ़ सकता, हाँ आपके कंधे में तो चढ़ जाऊँगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप बोलते हैं कि स्वतः तो हो नहीं सकता। अब द्वितीय क्या है परतः। परतः मतलब जो घट से पट की पट से घट की अथवा दोनों मिलकर के द्वितीय प्रत्याह। द्वितीय बोला था कि दूसरे से एक दूसरे वस्तु से दूसरे से दूसरे का उत्पत्ति हो जाएगा, एक दूसरे वस्तु से एक दूसरे वस्तु का उत्पत्ति हो जाएगा ठीक है ना। जैसे लकड़ी से चेयर कुर्सी में उत्पन्न हो जाता है ऐसा जिसमें दूसरे वस्तु लकड़ी दूसरा वस्तु है और कुर्सी में दूसरा ऐसा मानने वाला है ऐसा बोल रहे ना भी ऐसा भी आप नहीं बोल सकते हो ऐसा भी आप नहीं बोल सकते ना भी पर तो अन्नस्मान अन्न यथा घटात पट। यदि आप अन्न तो बोलेंगे ना तो आपको व्यभिचार स्थान कहीं भी लगेगा परंतु व्यभिचार स्थान तो अनेक हो जाएगा। व्यभिचार स्थान भिन्नता से उत्पन्न होती है, भिन्नता से उत्पत्ति है तो घट से पट की उत्पत्ति हो जाएगी, घटात पट तो भिन्न वस्तु है। जो देता पर तो अन्नस्मात अन्न अन्न से अन्न वस्तु की उत्पन्न अन्न से अन्नस्मात अन्न दूसरे वस्तु की यथा घटात पट और पटात पटांतरम एक दूसरे पट से दूसरे पट उत्पन्न होता है। इस प्रकार से यदि आप कहते हैं तो देखो भाई आप विचार करके बोलो क्या भिन्नता ही आपका उत्पादक उत्पादकत्व के लिए प्रयोजक है
क्या भिन्नता ही जन्म के लिए प्रयोजक है? भिन्नता क्या जन्म के लिए हेतु बन सकते हैं? इसलिए बता ना खलु अन्नतम जनकत्ते प्रयोजकम। ठीक है ना, ये मुख्य चीज है। आपने क्या किया था, हमने जब आपको बोला था बीच से अंकुर, अंकुर से बीच, तब आपने घुमा दिया था वहाँ पे आपको, ये बोल रहे कि तुम हमको घुमाए, हम बोलते तुम हमको घुमाए, क्यों? तुमने वहाँ पे क्या कहते हैं, जिस बीच से जो पेड़ उत्पन्न हुआ उस पेड़ से वो बीज उत्पन्न नहीं, उससे उत्पन्न होता है। अच्छी बात है भाई, तो परंतु ये बताओ यानी कि उत्पत्ति के लिए अन्नत्व जो जिससे जिसकी उत्पत्ति होगा वो भिन्नत्व उसके लिए होगा, क्या तुम ये कहना चाहते हो? परंतु बताओ भिन्नत्व तो सारे में बैठा हुआ है, तो फल तो जो किसी से किसी को उत्पत्ति हो जाए, परंतु ऐसा नहीं दिखाई देता। न खलु अन्नत्वम जनकत्ते प्रयोजक, भिन्नता उत्पत्ति के लिए हेतु नहीं हो सकता, क्यों? तब घटादपि पट उत्पत्ति प्रसंगात, अन्न से घर से पट उत्पत्ति होने लगेगा यदि अन्न से अन्न की उत्पत्ति है तो। न च उत्पादकत्व योग्यतम विशेषतम अन्नतम तथा इति वाच्य। आप बोलोगे नहीं नहीं आपने हमारे बात को समझा ही नहीं, हम क्या बोलेंगे? अन्न हो और जिसमें जिस वस्तु की उत्पत्ति करने का सामर्थ्य हो, अन्न हो और जिसमें जिस वस्तु की उत्पत्ति करने का सामर्थ्य हो, ये मिलकर के हेतु बनता है, ये मिलकर के हेतु बने होते हैं। न च उत्पादक, न च उत्पादकत्व योग्यतम विशेषतम अन्नतम तथा न च वाच्यम, पर आप इधर अन्य करेंगे, न च वाच्यम ये अलग रखिए। यदि आप ऐसा कहते हैं क्या, नहीं नहीं आपने हमारी बात को नहीं समझा, क्या नहीं समझा कि भिन्नत्व केवल मात्र जन्मत्व के लिए हेतु नहीं है, भिन्नत्व उत्पादकत्व के लिए हेतु नहीं है, क्या? उत्पाद उत्पत्ति होने का सामर्थ्य वाला कोई वस्तु वो जो उत्पन्न हो रहा है उससे भिन्न हो, तब जाकर उत्पत्ति होना संभव। न च उत्पादकत्व योग्यतम विशेषम अन्नतम, उत्पादकत्व योग्यता से जो विशेष होता है भिन्नता वो अन्नत्व उसके लिए कारण बनेगा, तथा तथा मत उत्पत्ति हेतु। न च वाच्यम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा होता नहीं है, किन जब तक उत्पत्ति नहीं होती तब तक इसके अंदर ये योग्यता ही आपको समझ में नहीं आएगा। उत्पत्ति के लिए आप यदि बोलते हो भिन्न हो और उत्पत्ति की योग्यता हो, उत्पत्ति योग्यता आपको समझ में कैसे आएगा? उत्पत्ति होने के बाद ही ना समझ में आएगा, इसीलिए ये भी जो है आपका काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए बोलते हैं उत्पत्ति अंतरेण तद योग्यतस्य दुरवगम्यत्वात्, जब तक उत्पत्ति नहीं होता है तो इसके अंदर इस वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता है ये समझना नहीं, समझ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते। इसलिए उत्पत्ति अंतरेण, जब तक कोई वस्तु उत्पत्ति नहीं होती तब तक तद योग्यता, मतलब उसके अंदर इस वस्तु की उत्पत्ति करने की योग्यता है, ये जो है दुरवगम्यता, अभी समझना कठिन होने के कारण ये समझ कठिन थी और इसका भी बेहतर फर्क क्या हो जाएगा, ये जो आपने कहा दूसरे से उत्पत्ति होगा ये होना भी संभव नहीं है। अब थर्ड विकल्प क्या हमारे पास, दोनों मिल करके होंगे अपने और पर अपने आप ही रहेगा, उसको मिल करके तब यहाँ पे बोलते हैं तृतीय निरस्यति, तृतीय विकल्प है सत और पर तो मिलकर उत्पत्ति हो जाएगा, अपने आप भी रहेगा दूसरे का मदद भी लेकर उत्पन्न हो जाएगा। तृतीय तथा न उभयथा, इस प्रकार जो है दोनों मिलकर भी नहीं हो सकते, अकस्मात विरोधात, अपने और पर दोनों एक साथ मिलकर के व्यवहार करके ये भी नहीं होता, विरोधात अदृष्ट चरत्व, मतलब ऐसा नहीं दिखाई देता न तो जनकता, इसलिए हमें जनकत्व उत्पन्न नहीं होगा। घट और पट दोनों मिलकर भगवान भाष्य का समझा रह जाता, घट पटाभ्याम घट पटोवा न जायते, घट और पट दोनों मिल गया, घट और पट मतलब इस घड़ा को आप कपड़े से लपेट के रख दिया, दोनों मिल गया, अब उससे घड़ा उत्पत्ति होगा कि पट उत्पत्ति होगा, इसलिए वो दोनों भी नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए बोलता है विरोधा दृष्ट चरत्व अदृष्ट चरत्व, मतलब जो नहीं दिखाई देता अदृष्ट चरत्व न तो जनकता, इससे उत्पत्ति होना संभव नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं फिर टीका में देखिए बोलते हैं तृतीय निरस्यति, और जो बोलता है विरोधा ये संग्रह है, तो विरोधम एवं दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट यदि, क्या विरोध है उसको दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं, विरोधांत तथा न उभयथा, ये प्रतिज्ञा है दोनों मिलकर के भी उत्पत्ति होना संभव नहीं है, क्यों? विरोध होने के कारण संभव, इसी के समझाने से बोलते हैं कि यहाँ पे जो बोले ना कि विरोधम एवं, ये जो विरोध है उसी को दृष्टान्त वगैरह समझाते हैं, उसी को दृष्टान्त समझाते हैं। यथा
घटपटाभ्याम घटपटोबा न जायते, घट और पट दोनों को एक साथ मिला करके रख दिया, चाहे घड़ा के अंदर कपड़ा भर के रख दो अथवा घड़ा को कपड़े के अंदर लपेट दो, घट और पट दोनों एक साथ हो गया, आप एक अलमारी में बंद करके रख दो, कुछ दिन बाद आपको एक तीसरा घड़ा अथवा तीसरा में कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो बंधा हुआ था कपड़ा वो भी सज जाएगा। यहाँ पे घटपटाभ्याम घटपटोबा न जायते, ठीक है यहाँ तक बोला, नहीं टीकाकार लिखते हैं नहीं घट पटाभ्याम घट और पट दोनों को मिला करके रख देने पर दोनों मिल करके घटो पटोबा जायमान निश्चतो, दोनों में से दोनों को मिला हुआ इससे अवस्था से न अकेला घड़ा की उत्पत्ति होते हैं न अकेला पट की उत्पत्ति होती है, कपड़े की उत्पत्ति है, जायमान न दृश्यते उत्पत्ति होते नहीं दिखाई पड़ते न सबसे पहले न नहीं दिखाई जाता तथा टीका में भी जायमान सस्मान अन्नस्मान च भवति इति अनुपन्न फलस्वरूप क्या हो गया, उत्पत्ति हो रहा है जो वस्तु सस्मान मतलब अपने आप से अथवा दूसरे से अथवा दोनों को मिला करके, ये जो आपने कहा इति अनुपन्न ये कहना युक्ति संगत नहीं है, इति अर्थ अन्नत्य सद्यपि जन्म जनक भावस्य प्रत्यक्षत्व न शोषक्यते प्रत्यक्ष, अब जो है पूर्ववादि फिर खड़े हो गए दे तो हमारे बात को इधर उधर छल करके घुमाता है, हमने कि अनंत के साथ हमने बोला कि आपको नहीं दिखाई देते कि पिता से पुत्र को उत्पत्ति दिखाई देता कि नहीं देता, घट से आपको मृतिका से घर की उत्पत्ति होता था दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता, तो आप जो दिखाई दे रहे हो उसको आप निषेध कैसे कर सकते हो, इसलिए पूर्ववादी बोलते हैं अन्यत्य सत्यपि भिन्न होते हुए भी जन्म जनक भावस्य एक उत्पत्ति हो रहा है, एक उत्पत्ति करने वाले भाव का जो है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिखाई देता है, ना अशोषक्यते प्रतिक्षेप तुम आप इसके ऊपर जो है आक्षेप नहीं कर सकते, शंकते इसको मन में रखते पूर्व वाले पर शंका करते हैं, क्या शंका करते हैं कहूँ मृदो घटो जायते पितुश्च पुत्रो जायते, ठीक है ना, अब जो हम आपको बोले कि जो है आप बाजार से जब घड़ा खरीदने जाते हो तो आपको मृतिका से घड़ा की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता, आपके घर में लिखा लेके चला मनमान कर लिया किसी ने बनाया होगा तो मृत्यु घर में आप में नहीं बदल सकते किसी ने बनाया हो, व्यवहारिक दृष्टि से आप इस शब्द को मानने पर भी मार्मिक दृष्टि से जब मतलब मूल कारण में जब वहाँ भी इस प्रकार बनाना संभव ही नहीं है। यहाँ पे जो है टीकाकार ये बोल रहे हैं कि मृदु घटो जायते पितुश्च पुत्र पिता से अन्यत्य सत्यपि जन्म जनक भावस्य प्रत्यक्ष तन्नाश हो सकते प्रतिक्षेप्य मेरे शंकरे ननु मृदु घटो जायते पितुश्च पुत्र किम प्रत्यक्ष अनुसारिणौ शब्द प्रत्ययौ शब्द प्रत्ययौ अविवेकिनम इष्यते किम विवेकिनम इति विकल्प, ठीक है ना, ये जो है प्रत्यक्ष को अनुसरण करते हुए आप बताओ प्रत्यक्ष को अनुसरण करते हुए तो शब्द और तत् संबंधित जो बुद्धि ये किस प्रकार की बुद्धि विवेकी को उत्पन्न होता है अथवा अविवेकी को उत्पन्न होता है, अब बताओ रोज आपको आपके सामने से सूर्य उदय होते दिखाई देते हैं अविवेकी व्यक्ति क्या बोलेगा, रोज हमको सामने से सूर्य से उदय होते दिखाई देते हैं, यानी सूर्य रोज हो के इधर जाता है फिर इधर भी आता है, इस हमने लल्ली में ना लल्ली में व्यक्ति पूछा था महाराज क्या बात, तो देखिए यहाँ पे तो सूरज जो है पहाड़ में छूट जाते हैं तो नीचे तो पहाड़ नहीं है वहाँ पे सूर्य कहाँ छूटते हैं, छोटा छोटा बच्चा जैसे यहाँ तो बेचारे वही दिखाई पड़ते हैं, वहाँ ना बहुत बड़ा समुद्र है समुद्र में पानी में छूट जाता है, वो बैठ गया बुद्धि वहाँ तो वो तो हो सकता है तो मत है, तो अब जो है अविवेकी व्यक्ति क्या लगते हैं उसको सूर्य जो है अविवेकी व्यक्ति क्या जानते हैं पृथ्वी घूम करके सूर्य के सामने आते हैं सूर्य दिखाई पड़ते हैं पृथ्वी जाता है, तो जो दिखाई पड़ते हैं तब उन्हें बुद्धि उत्पन्न हो तो अविवेकी व्यक्ति एक प्रकार सोचते हैं और विवेकी व्यक्ति उसमें विचार पूर्वक सोचते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है, रोज हमको दिखाई देते हैं आकाश नीला और कठोर है तो विवेकी व्यक्ति जानता है अविवेकी व्यक्ति इसको सत्य मानते हैं, विवेकी व्यक्ति जानता है आकाश ना नीला है ना कठोर है, इसीलिए अभी बोलते हैं कि मन यहाँ पे हमारे आनंदगिर जी बोलते हैं कि किम प्रत्यक्ष अनुसारिणौ प्रत्यक्ष को अनुसरण करते हुए दो है वहाँ पे शब्द और प्रत्यय सूर्य उदय हुआ आकाश नीला है अतः संबंधित वृत्ति जो मन उठा शब्द प्रत्यय
अविवेकी नमिष्यति, अविवेकी को मन में रख करके बोलना चाहते हो, अतः विवेकी व्यक्ति को लेकर के बोलना चाहते हो, बोलो किसको लेकर बोलना चाहते हो। यदि कहे तो अविवेकी को लेकर के, हम तो मानते हैं इसको, हम इसके साथ भी कहते, यदि विवेकी व्यक्ति को लेकर के बोलते हो तो हम नहीं मानते इसको। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रत्यक्ष अनुसारिण शब्द प्रत्यय अविवेकी नमिष्यते कि मैं विवेकी नामी विकल्प आद्यम अंगी करोगी, मतलब अविवेकी ऐसा बोलते हैं, मैं बोला हाँ मैं नहीं मानते इसको, विवेक ऐसा बोलते आद्यम अंगी करोगे थी सत्यम सही बोला आपने। अस्ति जायते इति प्रत्यय शब्दस्य मुखानाम, देखा सही बोला, यह है और फिर पैदा भी होता है, तो है फिर पैदा क्या हुआ, पुत्र है पैदा हुआ है, जो है तो फिर पैदा क्या हुआ है, तो है उसको पैदा कहां से हुआ। इसलिए बोलते हैं अस्ति जायते इति प्रत्यय शब्दस्य मुखानाम, ये प्रत्यय शब्द जो बोध एक है ये अविवेकी व्यक्ति को होता है। इसलिए अब जो है कि द्वितीय प्रत्यय मतलब विवेकी व्यक्ति विचार पूर्वक देखता है, जैसे कल मैं एक और दृष्टांत दिया था, एक ब्रह्मचारी गुस्सा में आकर किसी को बोल दिया साला भाग यहाँ से, तो वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति तो गुस्सा हो जाएगा, विवेकी व्यक्ति जानते अरे इसका तो शादी नहीं हुआ साला कहाँ से होगा, ये ऐसे शब्द प्रयोग करके वहाँ पर है। इसी प्रकार से द्वितीय प्रत्यय तो मतलब वहाँ पे क्या बोलता, तौ एव शब्द प्रत्यय विवेकी भी परीक्षेते, किन सत्य विवेकी व्यक्ति के द्वारा शब्द और प्रत्यय इन दोनों को परीक्षा किया जाता है, ये शब्द प्रयोग हो रहा है और इसके अंदर जो बुद्धि उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर सांप सांप और सर्प बुद्धि उत्पन्न हो, ये वास्तविक है कि नहीं, विवेकी व्यक्ति वहाँ पर विचार करता है, वहाँ सांप वहाँ सांप ये जैसे बोलता है, अथवा वहाँ क्या है चोर चोर, तो अविवेकी व्यक्ति तो बोलेगा चुप, विवेकी व्यक्ति क्या जानते हैं कि विचार करके चलो तुमको दिखा दो वहाँ पे क्या है। इसीलिए आप बोलते हैं कि दो शब्द प्रत्यय और विवेकी भी परिशब्द और प्रत्यय दो है, मतलब शब्द प्रयोग और तदनुकूल बुद्धि, तदनुकूल बुद्धि किम सत्यम एव तो उत्तम, ये सही बोल रहे अथवा यथार्थ है कि नहीं है ये विचार करते, यदि जागृता परीक्षा माने जब तक इसको परीक्षा करते हैं जब तक ये निर्णय नहीं होता है, परीक्षा माने शब्द प्रत्यय विषय वस्तु, शब्द प्रत्यय का जो विषय वस्तु है घट पुत्रादि लक्षण घट अतपुत्र शब्द मात्र में गई, केवल शब्द मात्र ही है, उसमें पारमार्थिकता नहीं है, पारमार्थिकता नहीं है। कैसे बोल रहे हैं बाजार मन विकसते, ये कई जगह आप शांति को षष्ठ अध्याय में तो कई बार आए हैं इस चीज़ को, शुरू शुरू में है ये प्रथम पहले बोला कि वो मृत्यु पहला खंड में तो क्या है शेत के तो उसमें घर में भेजना, वापस आया वापस आने के बाद जब देख लिया अनुजो अनुमानी उत्तराण जी हो गया वो बहुत बोलता है, तब पिताजी ने उनसे पूछा था क्या तो उन्होंने गुरु जी से आशीष को पूछा ये एक तत्व को जानने सुनते तो आदेश समझे अनुसंधान मतलब, तब बोला कि नहीं तब तुम्हें आप ही मेरे को बताओ, पिताजी ने बोलना शुरू किया तब सदैव स्वमेधमग्रास उसी में ये दृष्टान्त के रूप में आया होता बाचार विकार और नाम देव मृत्यु का। अब जो है ये हो गया इस प्रकार श्रुति होने के कारण, यानी कि जो ये शब्द और प्रत्यय जो होते हैं उसका क्या उठाया था शंका क्या उठाई थी, अरे लोग व्यवहार में दिखाई पड़ते हैं आप शब्द प्रयोग करते हैं तो ऐसा मानना चाहिए, तब वो बोलते हैं कि अविवेकी व्यक्ति तो मान लेता है, विवेकी व्यक्ति उसको मानते हैं जो विचारपूर्वक समझ में आता है, विचारपूर्वक समझ में आता है। इसलिए बोलते हैं अविवेकी व्यक्ति मानने पर भी विवेकी व्यक्ति नहीं मान सकते क्योंकि श्रुति ऐसा बोलती है, हम श्रुति के आधार पर विचार करते हैं। अच्छा मृषा एव इति परीक्षमाने सति, भाष्य में देखिए मृषा इति जागता परीक्षमाने शब्दो एव शब्द प्रत्यय विवेकी भी परीक्षेते किं सत्यम एव तो उत्तम मृषा इति जावता परीक्षमाने, इसको अन्य करते एव के साथ मृष का अन्य मृषा एव इति परीक्षमाने, मिथ्या ही है परीक्षा के द्वारा ऐसा निश्चय होने पर इस संबंध ऐसा अन्य होगा। तच्च जन्म शब्द ही विषय, जन्म शब्द और बुद्धि का विषय बनते हैं वस्तु, इन है ना जन्म नामक वस्तु और उसका जो बुद्धि वृत्ति शब्द मात्र भी तक, ये एक शब्द मात्र ही प्रयोग है, शब्द ज्ञान का अनुसार तो कब तक वस्तु वहां पर है नहीं, शब्द मात्र नहीं हो क्यों वाचारम मन श्रवणा वाचारम मन श्रुति के बल से न परमार्थ जावत निश्चित ही परमार्थ से विद्यमान नहीं है, तस्मात
असत आलम्बनत्वम एव शब्द प्रत्ययो निष्कपक्षे शब्द और प्रत्यय का संबंधित व्यक्ति वो असत वस्तु को आलम्बन करता है, मिथ्या वस्तु का आलम्बन करके ही होता है। क्या बड़ा भयंकर सिद्धांत है कि कोई भी शब्द प्रयोग अर्थात संबंधित जो वृत्ति मन में होता है वो क्या होता है, ये मिथ्या वस्तु को संबंधित ही होता है। सत्य वस्तु को संबंधित इंद्रियों के विषय ही नहीं बनता तो मनोवृत्ति भी नहीं बनता, प्रत्यय कैसे बनेगा। इसलिए आप बोलते हैं कि तस्मात् असत्य आलम्बनत्वम् एव शब्द प्रत्ययो निष्कपक्षम्। इसलिए असत वस्तु के आलम्बन करते हैं कौन, शब्द और प्रत्यय। इसलिए जितना धीरे 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 आप सत्य वस्तु का आलम्बन करेगा मन उतना ही शब्द प्रयोग भी कम हो जाएगा, शब्द प्रयोग भी कम हो जाएगा। अष्टमी योजना ऐसे समझना चाहिए। छह नंबर टिप्पणी में मतलब क्या बोले आप, पांच नंबर क्या है, प्रत्यक्ष अनुसारी रो, पांच नंबर टिप्पणी मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण जन्नौ शब्द प्रत्यय मतलब प्रत्यक्ष अनुसारी नौ। अच्छा नौ असत आलम्बनत्वम एव मतलब बाधित विषयकत्व एव असत मतलब जिस वस्तु जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी वस्तु उसी स्थान में बाधित हो जाता है, ये असत मानते हैं। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं बाधित विषयकत्व, बाधित वस्तु को विषय करते हैं। रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, रज्जु ज्ञान से वो अपने आप बाधित हो जाते हैं। इसलिए शब्द शब्द का प्रयोग अर्थात संबंधित वृत्ति इस प्रकार की वस्तु को लेकर ही होता है, क्योंकि अधिष्ठान का वृत्ति हम नहीं बोल रहे हैं, रज्जु रज्जु नहीं बोला, किसको बोला, सांप सांप, चोर चोर, पानी पानी, ये किसको विषय, जो ये शब्द प्रयोग और उसका तथा संबंधित जो वृत्ति, ये जो है मरुभूमि में पानी देखना, रज्जु को सर्प देखना, ये सब जो असत वस्तु को लेकर ही व्यवहार होता है, शब्द प्रयोग होता है। क्योंकि जो सद वस्तु है वो तो इंद्रिय का विषय बनता ही नहीं है। क्यों, जद वाचा न अजद वाचा अनुभूतितम येन वाक कर्के उपनिषद, जद वाचा अनुभूतितम येन वाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मतम विद्धि नैतम जनितम उपासते। माने जिसको अभिव्यक्त तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, परंतु जिसके रहने के कारण वाणी अपनी वक्तव्य वक्तु तो कह सकते हैं वो ब्रह्म है, नैतम जनितम उपासते जिसका जो उपासना करो ये ब्रह्म नहीं है। पांच जगह में दिखाई पहले उपनिषद में, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि तस्मा असत आलम्बनमेव शब्द प्रत्यय अष्टम्यमिति योजना चतुर्थम शिथिल यदि, चौथा क्या था, सत से जन्म होगा, पंचम असत से और षष्ठ सदस्य मिल करके, यहाँ पे बोलते हैं चतुर्थम शिथिल यदि, चतुर्थ जो उसका भाग था उसको भी ढीला कर देते हैं। अब जो है सत चेत न जायते सत्वात् मृत पिंड, यदि ऑलरेडी विद्यमान है तो फिर इसकी उत्पत्ति का आवश्यकता क्या, जैसे मृतपिंड की उत्पत्ति नहीं होती। सचेत न जायते सत्वात् मृतपिंडवत्, यदि असत तथापि न जायते, यदि असत है तब तो उत्पत्ति होना संभव ही नहीं, असत है इसलिए। जैसे असत्वाद एवं जैसे शशु विषाण आदि पर शशु विषाण पशु आकाश को शुभ इस प्रकार से, इसलिए बोलते हैं वहाँ पे टीकाकार बोलते हैं पंचम निराकर, पंचम क्या था, असत, यदि असत तथापि न जायते असत्वाद एवं शशु विषाण। अब षष्ठ छोटा बोला था, षष्ठ क्या है, सत असत मिलकर के, सत असत दोनों मिल ही नहीं सकता तो मिलकर के काम कर सकते हैं, सत और असत दोनों मिल सकता कि नहीं, दोनों है ही नहीं वहाँ पे। षष्ठम प्रत्यादेश अथ अथ सत असत तथापि न जायते विरुद्ध से एक असत, दो विरुद्ध वस्तु एक हो जाए ये तो होना संभव ही नहीं है। इसलिए असन्याम विकल्पानाम निराशे, देखिए सन्नाम आया था आपके पास, प्रतिपद क्या है इसका, शश प्रतिपदिक मूर्त मूर्त शकर शश, तो इसका क्या होता है, पहले क्या होगा, पहले जलाभ्यास अंतर डकार होगा, फिर इधर है आम, आम में क्या होगा, षट संपदक षट चतुर्भ्य नुमान होगा, नाम हो जाएगा, नाम होने के बाद तब इसको पद संज्ञा होगा, हाँ नहीं वहाँ पे भाषा सुनते पद संग, पद संग होने पर तब क्या हो जाएगा, शुष्क तो डकार हो जाएगा, जल अपने संग डकार होगा, डकार होने के बाद फिर टूना डकार के डकार को फिर यार और नाशिक और नाशिक हुआ प्रत्यय भाषा निमित्तम ईशन नाम। एक बार जब ऐसा शब्द आता है तब थोड़ा सा एक बार कैसे होगा चिंता कर लेकिन बैठ जाता है। सन्नाम विकल्प नाम सब प्रकार के विकल्पों का
निराश हो जाने पर फलितम मतलब उसका मतलब जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट का विपुषाधान के रूप में कहते हैं नहीं कमायती अत न किंचित वस्तु जायते इति शिवनम है ना। यहाँ पे बातों के ऊपर सात नंबर टी मतलब मतलब जन्म प्रयोजक असंभव जन्म होने के लिए जो जो कारण है वह सब किसी भी कारण जो है सिद्ध नहीं होने के कारण फलस्वरूप अपना छह हेतु दिखाए ना आपने सत परत सत परत मिला करके सत असत 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 मिला करके ये छह हेतु से जन्म होना संभव इसे बोलते हैं जन्म प्रयोजक असंभव जन्म के लिए जो कारण आपने दिखाया उस प्रकार से वो कारण उसके लिए हेतु नहीं होना संभव ही नहीं है किस कारण से अतः इसलिए न किंचित वस्तु जायते इति सिद्धम कोई वस्तु की उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है ये सिद्ध हो जाता है। विद्या में क्रिया कारक फल फल नानत्व पक्षी आप जो है ये बौद्धवादी हो यहाँ तक तो हो गया आपका पूर्व मीमांसा दर्शन को लेकर बोलने का बौद्धवादी को लेकर के बोलते हैं आठ नंबर टिप्पणी क्रिया इत्यादि क्रियादयो फलांता भिन्न इति मते है ना पर क्रियादयो क्रिया कारक फल फल नानत्व पक्षी जन्म अनुपत्ता अनुपत्ति दोष मुक्ता है ना ये क्या हो गया क्रिया अलग कारक अलग फल अलग है ना ये कारक मतलब कर्ता भोक्ता अग्निहोत्र क्रिया के द्वारा उस सर्वरूपी फल को प्राप्त करते इस प्रकार अलग अलग जो उत्पत्ति आप बताते हो क्रिया कारक और फल नानात्व पक्ष जन्म अनुपत्ति दोष मुक्त और जन्म होना संभव नहीं है भेदवादी के पक्ष में उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है पक्षांतर आप इन तीनों को एक मानने वाला हाँ आपने ठीक बोला बुद्ध बच्चा का हाँ ठीक बोला ये पूर्व जो तो कर्मकांड से लड़ता है वो तो वेद तो कर्मकांड को मानता ही नहीं है क्योंकि हिंसा को देख कर गए ये तो बिल्कुल ही खराब चीज़ है। आपने सही बोला इस प्रकार से अग्निहोत्र यदि कर्मों के द्वारा कोई कर्ता फल उत्पन्न कर गए होना संभव नहीं है सब विज्ञान बुद्धि में ही बैठा हुआ है। एक विज्ञानी जो है विज्ञान मतलब बुद्धि विज्ञानी क्या है कि कल्पना करता है इस क्रिया से मैं इस कर्म करके इस फल को प्राप्त बुद्धि का ही विकार है एक ही है वो अलग नहीं है ये आपने सही बोला बोला तुम्हारा ये तो हम ठीक है मगर वो जो तुमने विज्ञान को क्षणिक मान लिया ये तो गड़बड़ हो गया। और दूसरी बात क्या है कि ये जो कर्ता कर्म करण ये जो कर्ता और कर्म और फल ये एक नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता इसको लेकर क्या बोलेंगे जैसा पुनः जनिदेव जायते ठीक है ना जनिदेव मतलब जहाँ पे क्रिया हो रहा है वही जो है आपका कारक है और वही फल भी है जलते जेषां पुनर्जनिरेव जायते इति क्रिया कारक फल एकत्वम अभ्युपगम्यते इस प्रकार से क्रिया मतलब चलना रूपी क्रिया कारक मतलब जो व्यक्ति चल रहा है वो और उसका फल जहाँ पे पहुँचा ये तीनों चीज एक ही है एकत्वम अभ्युपगम्यते क्षणिकत्वम च वस्तुना और वो भी क्या है क्षणिक एक क्षण में उत्पन्न होकर के नाश हो जाता है ते दूरत एव न्यायापेता वो तो दूर से ही जो है उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो युक्ति से नहीं है युक्ति बाह्य है युक्ति से बाहर है। इसी को देखिए टीका का लिखते हैं बौद्धानां न्याय अवस्तम्भेन वस्तु व्यवस्थापयतां उत्तर न्याय बाह्यतम इतिहासमारे बौद्ध लोग तो बिल्कुल युक्ति के सारे समस्त वस्तु को व्यवस्थित करते हैं बौद्धानां न्याय अवस्तम्भेन युक्ति को आश्रय लेकर के वस्तु व्यवस्थापयता प्रत्येक वस्तु को निर्धारित करने के कारण वो तो न्याय बाह्यतम युक्ति की विरुद्ध कैसे है यदि आशंका यदि कोई ऐसा शंका करता है बोलते सुनो सुनो पहला इदम इत्थम ये आप बोलते हो ये वस्तु ऐसा है ये बोलते हो तो ये वस्तु ऐसा है बोलने के लिए वस्तु को कितना समय परखना पड़ेगा आपको और परखना अलग हो जो इसको बोल रहा है वो कितना समय रहना पड़ेगा जरा खुद सोच लो न्याय बाह्य क्यों है कि दोनों मतलब जिस वस्तु को परीक्षा कर रहे हो उस वस्तु भी क्षणिक है और परीक्षा करने वाला भी क्षणिक है तो ये वस्तु ऐसा है तुम कभी कह पाओगे कभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा यही पेपंगा आपका फाउंडेशन ही नहीं है यार कैसे तुम्हारा चिंतन को खड़ा करो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे इदम इत्थम इति अवधारण क्षणांतर अनवस्थान इस प्रकार निश्चय करने के लिए एक क्षण में अवस्थान होना चाहिए वो नहीं होने के कारण और दूसरी बात क्या है अनानुभूत स्मृति अनुपत्ति ये जो एक कर्ता को लेकर के बोलते हैं एक विषय को लेकर के बोला एक कर्ता को लेकर के बोला और क्या है जो जो व्यक्ति कुछ अनुभव करेगा उसी को स्मृति होना संभव है परंतु जो अनुभव किया वो उसी क्षण में नाश होगा स्मृति किसका होगा इसलिए ये सिद्धांत भी ठीक नहीं है। इसलिए बोलता है वहाँ पे जो इदम इत्थम इति अवधारणा इदम शब्द से
ये दो माँ, लेकिन नहीं, इदम शब्द का तृतीय एक वचन क्या है? इदम शब्द का तृतीय एक वचन अनेना, अनया होगा आपका स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग होगा अनेना, और यहाँ पे क्या प्रयोग कर दिया शब्द मात्र को परामर्श करते हैं। यहाँ पे इदम शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ को नहीं कहना चाहते, यहाँ पे इदम शब्द को कहना चाहते हैं, इसीलिए इदम शब्द के द्वारा, इदम शब्द के अर्थ यहाँ पे नहीं ग्रहण करना, इसके द्वारा नहीं, इदम शब्द के द्वारा क्या ग्रहण होता है, इसलिए बोलते हैं इदमा, सीधा सीधा टा लगा दिया, सीधा सीधा टा लगा दिया, मतलब इदम शब्द के द्वारा, वो कहाँ इदम इत्थम, इदम इत्थम इसमें जो इदम शब्द आया हुआ है, इदमा वस्तु परामर्श, इदम शब्द के द्वारा किसी भी वस्तु को, विषय को परामर्श किया जाता है, इदम शब्द के द्वारा किसी भी वस्तु को परामर्श किया जाता है, परामृष्टम, फिर आया क्या है इत्थम, है ना, उसका क्या है इत्थम, तो इत्थम इति क्षणिकत्व विवक्षितम, ये प्रकार जो है इदम इत्थम इति, वो जो आपने वहाँ पर क्षणिक माना, इसको बोलते हैं अच्छा इदम इत्थम, ये वस्तु ऐसा है, ये वस्तु क्षणिक है, आपका सिद्धांत तो क्या है हर वस्तु क्षणिक है, तो आप जो हर वस्तु क्षणिक है समझा कैसे आपने, इसी वस्तु को समझने के लिए कम से कम आपको दो तीन क्षण चाहिए आपको, और समझने वाला व्यक्ति को स्थिर चाहिए, ये आपका सिद्धांत है, इसलिए बोलते हैं इत्थम मतलब क्षणिकत्व विज्ञानम एवं, उसका आगे क्या लिखा है अवकार का अर्जुन कैसे एवं और फिर अवधारण जिस समय आप ये निश्चय करेंगे क्या ये वस्तु ऐसा है उस क्षण में वस्तु अवच्छेद क्षण अतिरिक्त वस्तु न अवस्था अभावात, क्योंकि जिस समय आपने वस्तु को देखा फिर वो वस्तु ऐसा निश्चय करने जाओगे तब तक वस्तु नहीं है, इसलिए बोलते हैं एवं अवधारण अवच्छिन्न क्षणे वस्तु अवच्छेद क्षण अतिरिक्त, आपको वस्तु मात्र दिखाई दिया, जिस क्षण में वस्तु मात्र दिखाई दिया उस क्षण के अतिरिक्त क्षण में उसका अस्तित्व नहीं है, ये तुम्हारे सिद्धांत है, इसलिए बोलते हैं अवच्छेद क्षण अतिरिक्त वस्तु न अवस्थान अवस्थान अभाव उसके विद्यमानता के अभाव होने के कारण न तस्मिन अनुभव सिद्ध थे, उसमें कुछ अनुभव सिद्ध हो ही नहीं सकता, किसी वस्तु को अनुभव करने के वस्तु को देखा परंतु ये वस्तु कैसा है वो जो है निश्चय करने के लिए उसको एक क्षणांतर में रहना पड़ेगा, वो पेन है कि पेंसिल है कि लट्ठी है कि लॉरेंस है कैसे पता लगेगा, आजकल लॉरेंस बिस्कुट भी पेन पेंसिल के रूप में बच्चे को ले लाते हैं, और पेन है कि पेंसिल है कि लॉरेंस है कि बिस्कुट है कि डंडा है क्या पता लगेगा, उसके अंदर आजकल अष्टमी होता है तो कैसे पता लगेगा, जब वो वस्तु आप दूसरे क्षण में हो तो मैं तो आपका सिद्धांत के अनुसार दूसरे क्षण में रहता ही नहीं है, इसीलिए हमें बोलते हैं कि एवं अवधारण अवच्छिन्न क्षण वस्तु अवच्छेद क्षण अतिरिक्त वस्तु न अवस्थान अभाव न तस्मिन अनुभव सिद्ध, इसलिए उस विषय का अनुभव सिद्ध नहीं होता है, न तस्मिन अनुभूति अर्थ स्मृति उपपद्यते, इसलिए जिस विषय का आपका अनुभव नहीं हुआ उस विषय में स्मृति होना भी संभव नहीं है, अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है, इससे तो सुषुप्त में शुद्ध मैं का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, क्यों आप उठ करके बोलते हो मैं आनंद से सोया था, यदि वो मैं आनंद का अनुभव नहीं किया तो कैसे उसका स्मृति हो सकता है, अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है, ये तो निश्चित ऐसा ही व्यक्ति जानते हैं, तो और जिसने अनुभव किया उसी को स्मृति होगा, मैं देख करके आया अमरनाथ, आप बोलेंगे कि नहीं, नहीं बोल सकते, तो जिसने अनुभव किया उसी को स्मृति होती है,
किस प्रकार सुषुप्ति में यदि कोई उठ करके बोलता है मैं आनंद से सोया था, मतलब क्या है? वो आनंद का अनुभव करने वाला वहाँ पे विद्यमान है, तभी उठ करके बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि न च तस्मिन अनुभव अनानुभूति अर्थ स्मृति पद्धति, जो अर्थ अनुभव में नहीं आता विषय तत् संबंधित स्मृति होना संभव नहीं है। तथा च वस्तु ने प्रत्यय तय असिद्ध, इस प्रकार से जो किसी भी वस्तु में दो प्रकार की प्रत्यय अर्थात अनुभव और स्मृति है ना, ये सिद्ध ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं है, क्योंकि अनुभव क्षण में रहता नहीं है। और स्मृति करने वाला मतलब जिसने अनुभव किया स्मृति का तभी वहाँ पर नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे प्रत्यय तय असिद्ध मतलब दोनों होना, अनुभव और स्मृति दोनों होने से। इसीलिए तो आप क्या ये वस्तु ऐसा है ये तो तुम्हारे सिद्धांत में कहना बनता ही नहीं है, ये वस्तु ऐसा ही तुम सिद्धांत में तो तुम्हारे साथ क्या तर्क करें। इसलिए बोलते हैं प्रत्यय द्वय असिद्धो व्यवहार असिद्धि आपके सिद्धांत को देखते हैं, मतलब ये वस्तु ऐसे इस प्रकार व्यवहार नहीं कर सकते, इति आह उसी को मन में रखते हैं। बोलते हैं अनुभूत स्मृति अनुभवतेश्य, जिसका अनुभव नहीं है उसका स्मृति होना भी संभव नहीं होने के कारण तुम्हारे पक्ष में व्यवहार होना भी संभव नहीं होगा। इसमें यहाँ पे आपको दो नंबर और तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है ना। तथा च वस्तुनि प्रत्यय द्वय असिद्धो, प्रत्यय तस्मत अनुभव स्मृति इति प्रत्यय द्वय असिद्धो, दो प्रत्यय है कि नहीं, अनुभव एक प्रत्यय और स्मृति एक प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय किसी वस्तु को लेकर वृत्ति जो हम जिसको बोलते हैं नाशन मोशन मोशन मेड माइंड विद द फॉल्स, तो इस प्रकार का वृत्ति होना। तथा च वस्तु प्रत्यय असिद्धो व्यवहार, व्यवहार मतलब क्षणिकत्व इत्यादि विशेष, मतलब आप ये क्षणिक इस प्रकार निश्चय करके बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका तो बोलने वाला भी क्षणिक है तो सही कुछ क्षणिकत्व विज्ञान असिद्धि रीति जावर, मतलब ये मैं बोला ये वस्तु क्षणिक है कैसे बोला आपने, अनुभव क्षण में तो वस्तु रहा नहीं वहाँ पे, इसलिए आप नहीं बोल सकते। तत् सिद्धो च कुत तत्जन्म, जब ये आपका जो है ये सिद्ध ही नहीं हुआ कि क्षणिक है, तो जब वो वस्तु सिद्ध ही नहीं हुआ तो उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ कैसे बोलेगा, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए आपके सिद्धांत के अनुसार तो जन्म होना संभव नहीं है। इसलिए ना दुष्टवादियों को सिद्धांतों को विचार करके ही वेदांत सिद्ध निर्णय हुआ कि जन्म पारमार्थिक होना संभव नहीं है। वस्तु तो न तन मत अभी जन्म ही तो पारमार्थिक, मतलब उनके मत में भी वो केवल सब बुद्धि में है ये मानते हैं, मैंने तो बाहर वस्तु है नहीं। इसीलिए आगे जा करके तुरंत इसके बाद इस विज्ञानवादी बोलते आने पर बाहर वस्तु है नहीं, सब तुम्हारी बुद्धि में ही है, अब तो बाह्य अस्तित्व स्वतंत्रिक वैभाषिक इसको लेकर के आगे बढ़े। यहाँ तक कि हमारे पूर्व मीमांसा दर्शन को हुआ विचार हुआ, अब पूर्व समय ये दोनों विद्यमान थे प्रतिबंध थे। अब पूर्व मीमांसा बोला देखो हम तो शास्त्रवादी है, शास्त्र तो सृष्टि दिखाया और वो शास्त्र इसको मतलब सृष्टि को अनादि बोलते हैं, हेतु और फल को अनादि बोला है, इसको तब क्या अर्थ करोगे? अभी तक हम इतना झिकझिक किचकी करते रहे, अभी तुमको समझ में नहीं आया कि अनादि का क्या अर्थ करना है। अनादि मतलब न विद्यते आदि रजस, मतलब इसका उत्पत्ति ही नहीं हुआ, तुमने इसका उल्टा अर्थ करके अपने अपने मतलब कर्मकांड को चलाने के लिए तुमने तुम्हारे सभी कर्म करे कर्म समझे, ये अर्थ नहीं है, ना शरीर है ना शरीर से कोई कर्म होना संभव है, ये हमारी अर्थ है। देखिए क्या 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 निष्कर्ष में पहुंचा, इतना देर तक शास्त्रार्थ करने का फल से लोग निष्कर्ष में क्या पहुंचा, तो तुम भी शास्त्रों मतलब वेद को मानते हो, हम भी वेद को मानते हैं, एक वेद को पढ़ के हम बोलते हैं कि भाई शास्त्र के कर्म करो, कर्म से धर्म, धर्म का धर्म तो शरीर प्राप्त होगा शुभ भोगी, अब तुम बोलते हो कि भाई धर्म भी नहीं है कर्म भी नहीं है, ये कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दो शास्त्र ने अनादि बोलो, अनादि मतलब अब तुम उसको अनादि को क्या मान लिया, अनादि काल से ऐसा चलता आ रहा है, अरे ये नहीं अनादि काल का उस किसने देखा, सामने क्या दिखाई देगा। इसलिए मतलब अनादि मतलब न विद्यते आदि मतलब इसकी सृष्टि हुई नहीं, यानी कि न कर्म है न धर्म है, क्यों तब जाके कर्म करने के शरीर चाहिए अधर्म भी नहीं है, ये हमारे मुख्य सिद्धांत है। इसलिए आज यहीं पर रहने देंगे, कल परसों दो दिन छुट्टी होगा, क्योंकि आप पूर्व मीमांसा दर्शन के उसको उपोषण करके अब बाई बाई अस्तित्व वाली बहुत धूप लेकर के बोले ठीक है। आज काल पूर्णिमा, काल पूर्णिमा प्रतिपदन तो आज हो जाएगा, आज पहला वाला।
ईश्वरो राधे।